तो पहले बीच से बालों को उठाएंगे एंड बीच में एक गांठ लगा देंगे, और गांठ लगाने के बाद से इस तरीके से इसको टाइट करेंगे एंड एक साइड के हेयर को टिक टिक क्लिप की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ, ताकि दूसरी साइड जो हम लोग हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं वो इसकी वजह से बिगड़े नहीं और हमारा हेयर स्टाइल अच्छा दिखे। तो हमने जो एक साइड का नोट लगा दिया, दूसरी साइड के हेयर को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल चोटी की तरह गूँथ लेंगे। तो सिंपल चोटी की तरह यहाँ पे मैंने गूँथ लिया है, फ्रंट से थोड़ा थोड़ा हेयर लेंगे एंड इसमें मिक्स करते जाएंगे एंड फ्रेंच चोटी बनाते जाएंगे। तो इसको बना लिया है मैंने। इसी तरीके से कान के पीछे तक के हेयर को चोटी के साथ गूँथेंगे। चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज, आप लोग मेरे आजकल मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे, प्लीज़ देखिए, और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल टिप्स आपको अपने स्किन केयर, हेयर केयर से, मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड मिल जाएंगे। आपके फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग मैं हेयर स्टाइल बताते रहती हूँ, लॉन्ग फेस के लिए, राउंड फेस के लिए, इस तरीके से। तो चलिए बातें करते करते यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल ईयर के पीछे था कि चश्मा भाई साहब मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इनको मैंने साइड में पटक दिया एंड ये जो मेरा स्कैल्प दिख रहा है इसको मैं अच्छे से फिंगर टिप्स की मदद से हाइड कर लूँगी। देन ईयर का ईयर के पीछे से एक लेयर और लूँगी और अपने फ्रेंच चोटी को कम्प्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया है और अच्छे से इसको थोड़ा लंबा गूँथ लेंगे ताकि ये सेंटर तक पहुंच जाए, और इसमें एक टिक टैक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे, क्योंकि बाद में हम इसका क्या करने वाले हैं वो मैं बताऊंगी आपको अभी। तो गूँथ लिया है, अब इसको मैं टिक टैक क्लिप की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ। फिर दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने उस साइड बनाया था वैसे ही बनाते जाना है। सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर जरूर जाइए, सिलाई से रिलेटेड वीडियोस मेरे सेकंड चैनल पर मिलेगा, सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इजीली मेरे सेकंड चैनल पर पहुंच सकते हो और सिलाई की बारीकियां समझ सकते हो और सीख सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी अपने व्यूवर्स के कमेंट्स पर वीडियोज बना देती हूँ। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं और फ्रेंच चोटी को कंप्लीट करेंगे ईयर के पीछे तक के हेयर ले लेके। इस तरीके से गुत्ते जाएंगे। तो यहाँ पे गुथ लिया है हमने चोटी को गुथ लिया है। अब चोटी को कंप्लीट करेंगे एक रबड़ बैंड की मदद से। उसके लिए हमको चाहिए पतला वाला रबड़ बैंड, तो पतला वाला रबड़ बैंड मुझे मिलेगा नहीं तो मैं ढूंढूंगी और ढूंढ के ही बनाऊंगी चोटी को। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ। मिल गया भाई रबड़ बैंड। तो उसको मैंने अपने मुंह से इस तरीके से फैलाया एंड इस तरीके से रबड़ बैंड को सेंटर में लगा दूंगी। और ये हमारा इस हेयर स्टाइल को आप चाहो तो खुले बालों के साथ भी रख सकते हो और अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट करके कहीं भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड को लगा लिया है एंड रबड़ बैंड लगाने के बाद से जो हमारे डिजाइन बने वो हमको थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सीधा करेंगे, पहले मैं काम कर ले रही हूँ अपने बालों को तो सवार लूँ, तब डिजाइन को देखेंगे बाद में। नहीं नहीं देख लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ा तिरछा गया है, तो रबड़ बैंड को इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे और थोड़ा खींच लेंगे, जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल सीधा हो गया और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो खुद से बनाना डिफ़िकल्ट होता है यार, लाइक तो कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो ये हो गया और इस तरीके से आप करके इसको छोड़ सकते हो, बट मुझे यहाँ पे बन बनाना है, गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के लिए ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल बता दी वो भी सैल। तो इस तरीके से सारे बालों को एक साथ लूँगी और एक रबड़ बैंड लगाऊंगी। बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, बाहर काम कर रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे अंकल जी, बाहर पूरा ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे। तो इस तरीके से पोनी बना लिया, आप चाहो तो पोनी भी छोड़ सकते हो, वो भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, लेकिन मैंने बताया कि गर्मी है तो गर्मी के लिए मुझे बन बनाना है और मेरे बाल इतने मोटे घने लंबे नहीं है जो मैं बिना डोनट बन के अपने हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने डोनट बन लिया क्योंकि मुझे छोटू सा जोड़ा पसंद नहीं आता है, तो मैं इस तरीके से डोनट बन लगा के अपने छोटू से हल्के पतले बालों को मोटा और घना दिखाने की कोशिश करती हूँ और लोगों को भ्रमित करती हूँ। लोग सोचते हैं कि मेरे बाल बहुत घने हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेरे भी बाल बहुत झड़ते हैं, लेकिन मैं टिप्स यूज करती हूँ तो मेरे बाल झड़ना बंद भी हो जाते हैं।
तो मैं आप लोग को बोलती हूँ कि जो भी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ, लोगों से शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज़ जाके देखा कीजिए और अपने पतले घने बाल सॉरी पतले हल्के बालों को लंबा और घना कीजिए ना मेरा वीडियो देख के। प्लीज़ जाइए ना और देखिए ना, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने बताया है हेयर ग्रोथ के लिए है होम मेड सीरम, हेयर सीरम, हाउ टू मेक होम मेड हेयर सीरम। तो दो यूपिन की मदद से मैंने इस तरीके से डोनट को कवर किया है, देन दोबारा से एक लेयर लिया है और इसको घुमा रही हूँ, घुमा के इसको खींचूँगी, जिससे कि फिर से मैं लोगों को भ्रमित कर पाऊँ, अपने बालों को मोटा घना खूबसूरत दिखा पाऊँ और डोनट बन को भी हाइड कर पाऊँ। इतना बड़ा डोनट बन इतने छोटे और पतले बालों में हाइड होना दिक्कत की बात है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से बालों को इधर उधर फैला फैला के बालों डोनट बन को हाइड करके अपने जूड़े को काफ़ी बड़ा और अट्रैक्टिव दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से पूरे हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे गए हो, नहीं गए हो तो इंस्टाग्राम लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और इंस्टा आईडी को चेक कर लो, वहाँ पे मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स और मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर करके हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे और डोनट बन के अंदर से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और हेयर को खींच लेंगे एंड सेकेंड टाइम फिर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और डोनट बन के अंदर से इसको इंसर्ट करेंगे और एक यूपिन लेंगे और इसको सिक्योर कर देंगे। वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये इतना सुंदर बन जाएगा हेयर स्टाइल, बट ये बन गया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इसको आप शादी पार्टी फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और गाउन ड्रेस अगर पहन रहे हो तो भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया और फिर बना या नहीं बना, तो मैं और इजी बताऊंगी इजी वे से हेयर स्टाइल। तो मैं लगाने वाली हूँ घर में वाईफाई, जिससे कि मैं आप लोग को लाइव में आके सिखा पाऊँ। अभी मैं लाइव आती हूँ तो वीडियो ब्लर दिखती हैं, जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बन, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना यार, आप लोग बताते नहीं हो। नाइस, तो पतले छोटे हल्के बालों में भी आप इतना खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल बना सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और वेडिंग पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। तो बन गया हेयर स्टाइल, अब इसको यूपिंस लगा के सिक्योर करेंगे और इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप हेयर हसिनसिस जो आती है यूपिंस के साथ जो फ्लावर्स आते हैं उनको ऐड कर सकते हो, गजला ऐड कर सकते हो अपने हेयर स्टाइल को, बन हेयर स्टाइल को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक यूपिन और लगाऊंगी, यस ओके। तो ऑलमोस्ट मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा उठा उठा लग रहा था तो यहाँ पे भी एक यूपिन और लगाऊंगी और जो हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ मत बताइएगा, तारीफ़ कर लिया करो यार, तारीफ़ करने से क्या जाता है आप लोग का। वैसे नहीं अच्छा लगा तो भी बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बनाऊँ और आप लोग को पसंद आए मेरा हेयर स्टाइल। तो ये मेरे हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है, थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो फ्लावर वाले यूपिन से और गजले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए मेरे हेयर स्टाइल को। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिएगा प्लीज़ गाइज, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 80,000 पे आके मेरे सब्सक्राइबर रुक क्यों गए हैं, इसको मुझे बढ़ाना है और 80 लाख तक पहुँचाना है, जो कि आप लोग के सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये भाई साहब उठ रहे थे तो यहाँ पे मैंने यूपिन लगा के इनको बैठा दिया है, आराम करो, कहाँ उठ के जा रहे हो, और ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है ये भी बता देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। फिर मिलते हैं और भी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज़ लेके, मेकअप ट्यूटोरियल में, और मैं अपना चश्मा लगा दिया अब मैं